हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ का प्रश्नावली 1.6। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.5 तक के समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। और आज का ये वीडियो जो है वो प्रश्नावली 1.6 पर होने वाला है, जिसमें तीन क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग बड़े मजे से सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आप लोग को नियम को बताता हूँ, जो कि घातांक के, जिसको जानने के बाद आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर लिख कर रखा है घातांक के नियम, और कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए का पावर एम गुना का ए का पावर एन रहेगा, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, यानी कि ए का पावर एम प्लस का एन होगा। ए जो है ये बीस है, क्या है, आधार है, ठीक है। और एम और एन जो है ये घातांक है, यानी कि पावर है, ठीक है ना। अच्छा, ए का पावर यदि एम रहे और उसका भी पावर एन रहे, तो वो क्या होगा, ए का ए रहेगा और एम गुना का एन हो जाएगा, मतलब एम एन हो गया, क्या हो, गुना हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, ए का पावर सिक्स है और इसका भी पावर सिक्स है, तो छोटा यहाँ पर पाँच रहेगा, ठीक है, अलग अलग संख्या रहता है, तो ए का पावर अगर तीस हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग समझ जाएंगे। ए का पावर एम है, बटे में ए का पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, एम में से एन घट जाएगा, ठीक है, और एम जो है ये एन से बड़ा होगा, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ए का पावर एम है और बी का पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, ए बी में गुना हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उस प्रकार आप लोग समझ गए सारे नियम को। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था 64 का पावर में 1/2 है। तो देखिए आप लोग सिंपल से बताइए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर ये 8 का स्क्वायर है, इसलिए 8 का स्क्वायर गुना में 1/2 है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, 8 का पावर 1=8, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा जी। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 32/5, ठीक है ना, लेकिन हम तीसरा क्वेश्चन को दूसरा नंबर में लिख दिए। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व ही करना है, तो 5 का पावर 3 इसको लिख सकते हैं गुना में 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर 1=5, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 32 है, इसके पावर 1/5 है, तो देखिए यहाँ पर 32 को 32 रहने देंगे, और यहाँ पर देखेंगे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 के पावर में यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 1=2, यही ना होगा जी, तो यही आप लोग का क्या, उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों प्रश्नों को बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर नोट करके रखा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को करना क्या होगा, पहले इसको ज़रा समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए 9 है और 3 का पावर 2 है, 9 के पावर में 3/2 ऐसा है ना, तो क्या करेंगे, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3×3 है कि 3 का पावर 2, पावर का मतलब होता है जितना पावर रहेगा उतना बार हम उसको गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके पावर में क्या है, 3/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, बचा क्या, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3×3×3, यानी कि 3×3=9, 3×7=27, तो ये 27 आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए दूसरा देखिए, 32 के पावर 2 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 गुना में क्या, 2 का पावर 5, 5 से 5 गया, 2 का पावर 2 बचा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यही आप लोगों का क्या, उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 के पावर 3/4 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। तो 16 के पावर जो ये है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2×4×8×16, 2 का पावर 4 बचा क्या, 3/4, 4 से 4 गया भाई, 2 से 2 का पावर 3 बचा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 8, 2×4×8, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं, आगे देखिए 125 का पावर क्या है जी, 5/3 है, यही ना है, तो देखिए क्या, 5 का पावर 3 हुआ गुना में 5/3, 3 से 3 गया, 5×25, 5 का पावर 5 है, आप 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 5×25 है ना, 5×25 5×125, इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अरे 1 है ना, अरे ये 1 है, ठीक है जी, 1 है, तो 1 है तो 5×1=5, यही 5 आप लोग का उत्तर हो जाएगा, 1/5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 1/5, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और मैंने अभी तुरंत आपको ये वाला बताया है नियम, क्या बताया था, कि अगर ए
समान रहे और यहाँ पर पावर एम रहे और इसका पावर एन रहे, दोनों में गुना रहे तो एम एन क्या होता है, जुट जाता है। तो वही करना है, दो को कॉमन ले लेंगे और दो बटा का तीन प्लस में वन बटा का फाइव इसको जोड़ देंगे। तो दो इंटू का तीन पाँच कैल्सियम पंद्रह, तीन पाँच पंद्रह इसलिए दो पाँच दस, पाँच तिया पंद्रह इक्वल टू तीन, है ना, दो का पावर तेरह बटा का पंद्रह, यही ना होगा, ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वन का पावर तीन है, ऊपर में बटे में सेवन है, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर ये देखिए तीन तिया यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जब यहाँ पर है तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा। तो अब आप लोग बोलेंगे सर वन के पावर तीन बटा का कैसे, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ग्यारह वन बटा का दो है, यहाँ पर जो बेस है ये समान है लेकिन यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाता है, मैं बताया हूँ कि आप लोग का जो पावर है ये घट जाएगा, क्या होगा, पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ग्यारह इंटू का वन बटा का दो माइनस का वन बटा का फोर, ग्यारह इंटू का वन चार दो, दो चार का सेम लेंगे तो क्या आएगा, आप लोग का चार आएगा, अब देखिए दो दूनी चार इसलिए दो एक, है ना, तो ग्यारह पावर में वन बाय चार, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी इसका जो पावर है ये समान है लेकिन ये जो बेस है ये अलग अलग है, तो क्या कीजिएगा, बेस को गुना कर दिया, यानी कि ए गुना में बी, यहाँ पर जो पावर रहेगा एम उसी को रहने देना है, तो आठ सत्तर छप्पन के पावर वन बाय टू, यही उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए सीख गए आप लोग, तो चलिए प्रश्नावली 10/6 को इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।